नमस्कार साथियों, मेरा नाम नितिन खन्ना है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। वो ये था कि आप एग्जिबिट नंबर्स क्या होते हैं और विटनेस के नंबर क्या होते हैं, मार्क के नंबर क्या होते हैं, कैसे डलते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं उसी वीडियो का पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा यंगस्टर्स के लिए बेसिकली है वीडियो बताना चाहूंगा कि आप अपने एफिडेविट को जो बनाएंगे, एविडेंस बाय व्यू ऑफ एफिडेविट, उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि कल को आप अगर हाईकोर्ट में भी फाइल करते हैं वो एफिडेविट को अपना, तो उसमें ऑब्जेक्शन ना लगे। और मैं बताऊंगा आप उस एफिडेविट को टेंडर कैसे करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई विटनेस को समन करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल को आप समन करते हैं, तो वो जब रिकॉर्ड लेके आता है तो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे करते हैं और एग्जिबिट नंबर इन एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स पे आप डालते कैसे हैं, ये सारी बातें और भी बहुत कुछ मैं ये आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखना चाहिए। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। आइए देखते हैं। देखिए, जब हम अपना एफिडेविट बनाते हैं एविडेंस का, तो उसमें हमें सबसे जरूरी बातें जो ध्यान रखनी है कि जिसका आप एफिडेविट बना रहे हैं उसका पूरा नाम, उनके फादर या मदर का पूरा नाम, उनका कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस और उनकी एज, ये सारी बातें तो लिखी ही हों। ये सारी बातें जरूरी हैं लिखनी अपने एफिडेविट में। आप अगर इन्हें नहीं लिखेंगे और कभी आप एफिडेविट अब हाई कोर्ट में फाइल करने जाते हैं, तो जो रजिस्ट्री है वही ऑब्जेक्शन लगा देगी आपके एफिडेविट में और आपको वो डिफेक्ट क्योर करने के लिए बोला जाएगा, क्योर या रेक्टिफाई, वो आपको क्योर करके फिर फाइल करना पड़ेगा। तो जब आप अपने एफिडेविट बनाएं तो उसमें ये सारी बातें जरूर लिखें। जब भी प्लेंटिफ अपना एफिडेविट बनाता है या डिफेंडेंट बनाता है, तो वो अपने आप को अंदर एफिडेविट के एज अ प्लेंटिफ रेफर नहीं करता या एज अ डिफेंडेंट रेफर नहीं करता, वो अपने आप को एज अ डेपोनेंट रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी प्लेंट में लिखा है द प्लेंटिफ इज द रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच एरिया, तो वही चीज आपके एफिडेविट में हो जाएगी, द डेपोनेंट इज द रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच एरिया। अब जब आप एफिडेविट बनाएंगे, यदि आप प्लेंटिव्स हैं, तो आपको अपने जो सूट में लिखी हुई बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सारी बातें आपने कम्प्लीटली लिखनी है। और यदि आप डिफेंडेंट हैं, तो आपने जो WS में फैक्ट्स लिखे हैं वो आपको लिखने जरूरी हैं, वो सारे आप कवर कर दें। अब यदि आपने लॉ लिखने की कोशिश करी उसके अंदर, अपने एफिडेविट के अंदर, तो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने एफिडेविट में लिख देते हैं कि the suit of the plaintiff is barred by res judicata, तो यदि जब opposite counsel cross examination करेगा, वो पहला सवाल यही पूछेगा res judicata का मतलब बताओ, तो आपका client वो चीज वो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि clients को legal knowledge, legal terminology की knowledge नहीं होती। तो आप legal चीजें लिखनी उसमें avoid करें। legal चीजें आपने prove करनी है, supposing res judicata का ही prove करना, तो आप court से record summon करा ले दूसरे witness से और वो रिकॉर्ड प्रूव कर दें, तो वो लीगली प्रूव हो जाएगा। आप अगर ये सारे लीगल टर्मिनोलॉजी अगर अपने एफिडेविट में लिखोगे, तो वो चीज नुकसान देगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है एफिडेविट में, यदि आपका क्लाइंट जो है हिंदी में साइन करता है, उर्दू में करता है, या नहीं साइन कर पाता, खाली थंब इम्प्रेशन ही लगा पाता है, तो आपको अपने एफिडेविट के अंदर ये चीज जरूर लिखनी चाहिए, दैट द कंटेंट्स ऑफ द एफिडेविट हैव बीन एक्सप्लेन टू मी इन वर्नाकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको लिखने की। अगर आप ये चीज नहीं लिखते हैं और आप हाई कोर्ट में आप फाइल करने जाते हैं एफिडेविट, तो इसी बात पे ऑब्जेक्शन लग जाएगी और ये डिफेक्ट भी आपको क्योर करने के लिए बोला जाएगा। जो आप अपने एफिडेविट बनाएंगे उसकी वेरिफिकेशन भी जरूर लिखें लास्ट में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बिना एफिडेविट आपका कंप्लीट नहीं होगा। ये चीज भी याद रखें, जब आप एफिडेविट बना लेते हैं, आपका क्लाइंट फैक्ट्स बता के जो बताता है वो आप बना लेते हैं एफिडेविट, तो उसके बाद एफिडेविट अटेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है ओथ कमिश्नर से। आप जाएं, अपने क्लाइंट को लेकर जाएं, ओथ कमिश्नर अटेस्ट करेगा, आपके क्लाइंट्स के साइन भी कराएगा अपने रजिस्टर में, तो वो एफिडेविट फिर प्रॉपर एफिडेविट बन जाएगा, फिर आप उसे कोर्ट में फाइल करें। अब जब आप अपना एफिडेविट बना लेंगे और जब उस आपने एग्जामिनेशन इन चीफ कराना होगा उस विटनेस का जिसका आपने एफिडेविट बनाया, तो आप उस एफिडेविट को टेंडर करेंगे कोर्ट में। तो वो ऐसे करेंगे, जिस भी क्लाइंट का, आपके जिस भी विटनेस का वो एफिडेविट है, तो आप लिखेंगे आई सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सो एंड सो,
हेयर बाय टेंडर माई एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट विच इज, आप उसको एग्जिबिट नंबर देंगे, एग्जिबिट आप डालेंगे। सपोजिंगली अगर आपका पहला विटनेस है तो आप लिख देंगे एग्जिबिट P1, यदि दूसरा विटनेस है तो आप लिख देंगे एग्जिबिट P2, और वो आपको फर्स्ट पेज ऑफ एफिडेविट पे EXP1 में आपको अभी दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, और उसके बाद जो आपके सिग्नेचर है वो भी आपको लिखने पड़ेंगे, विच बियर्स माय सिग्नेचर्स एट पॉइंट ए एंड बी। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्लाइंट प्राइवेसी के कारण मैं आपको पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कैसे डलेगा। ये आपने EXP1 लिख दिया, नीचे आप लिखेंगे सपोजिंगली आप ADJ जो होते हैं हमारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी कोर्ट में आप इसे एग्जिबिट कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे और आपने लिख दिया लर्नेड ADJ दिल्ली, और उसके बाद आप डेट डाल देंगे। सपोजिंगली आज 25th है अगर, तो आप लिख देंगे 25/7/20, तो ऐसा नंबर हो जाएगा। अब आपको साइन को भी लिखना है आपने, विच बियर्स माई सिग्नेचर एट पॉइंट ए एंड बी। सपोजिंगली ये साइन करे हुए, तो आप ए डाल देंगे और ये पॉइंट बी डाल देंगे आप, तो ऐसे ये आपका टेंडर हो जाएगा। अब इसके बाद यदि आपने अपना किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करना है, तो आप लिखते हैं अपने अपने एग्जामिनेशन चीफ में, आई ऑल्सो रिलाय अपॉन एग्जिबिट सो एंड सो। सपोजिंगली एग्जिबिट PW1/1 जो कि आपकी अगर फॉर एग्जाम्पल है सेटलमेंट डीड है, तो आप लिख देंगे उसे आई ऑल्सो रिलाय अपॉन डॉक्यूमेंट एग्जिबिट PW1/1 दैट इज सेटलमेंट डीड डेटेड सो एंड सो। ऐसे ही और भी आगे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये भी मैं आपको डॉक्यूमेंट में कैसे डालते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए सपोजिंग आपकी ये सेटलमेंट डीड है, तो इस पे आप डालेंगे, ये सपोजिंगली आपका PW1/1 है, तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ क्योंकि साथ साथ लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत हिलता है, मैं आपको डाल के फिर दिखा देता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे आप साइट पे ऐसे डाल देंगे, मैंने जैसे डाला हुआ है एग्जिबिट PW1/1 नीचे लर्नेड ADJ दिल्ली 25/7/2020। अब ये जो एरिया होता है ये आपको थोड़ा सा छोड़ना होता है ताकि जज साहब जो है अपने यहाँ साइन कर सकें, तो जज साहब जब साइन कर देते हैं तब ये फिर डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाता है। अब आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि कोई भी आप एग्जिबिट नंबर डालें तो आप जो भी डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट की ओवरराइटिंग ना हो, ये ध्यान रखें। कोई साइन है डॉक्यूमेंट पे उसके ऊपर ओवरराइटिंग ना हो, ये ध्यान रखें। कोई थंब इम्प्रेशन है उसके ऊपर ओवरराइटिंग ना हो, वो भी आप चीज ध्यान रखें। कल को आपको वो सिग्नेचर प्रूव करने हो, वो थंब इम्प्रेशन प्रूव करना हो डॉक्यूमेंट का, तो आपने उस पर ओवर राइटिंग कर रखी होगी तो फिर वो प्रूव नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए प्रूव करने के लिए। इसलिए आप ओवर राइटिंग का ध्यान रखें, जब भी एग्जिबिट डालें कोई ओवर राइटिंग ना। अब कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमारे कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, सपोजिंगली मेडिकल बिल्स हैं कई सारे हैं या हमारे ईमेल्स हैं कई सारे हैं, तो हम उनको कलेक्टिवली भी एग्जिबिट कर देते हैं, जिसको हम नंबर दे देते हैं। सपोजिंगली अगर वो हमारा डॉक्यूमेंट 2 है जिसको हम मेल हम कर रहे हैं, एग्जिबिट PW1/2 कॉलिंग लिख देते हैं हम आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट पे लिखते कैसे। अब सपोजिंगली ये 5 मेल्स में हमारी एक मेल है और इसके बाद हमने आगे भी मेल्स हमने प्रूव करनी है या मेडिकल बिल्स है, तो हम कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो अब ये लिख देंगे एग्जिबिट PW1/2 कॉली, मतलब कलेक्टिवली 5 पेजेस जितने आप पेज एग्जिबिट कर रहे हैं इकट्ठे, फिर लर्नेड ADJ दिल्ली 25/7/20। अभी मैंने थोड़ा बड़ा और ऊपर इसलिए लिख के दिखा दिया ताकि आपको आराम से दिखें, आप पेज के ऊपर अपने रेड पेन से ध्यान से लिखें आपने जैसे लिखना है। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट ने आपको एग्जम्पशन ग्रांट कर दी होती है फाइल करने से, या आप ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए और आप कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। सपोजिंगली आपका आधार कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड हो गया, उस केस के अंदर आप डॉक्यूमेंट जिस दिन आप अपना एफिडेविट टेंडर करेंगे और आगे क्रॉस एग्जामिनेशन में भी, आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड या इलेक्शन कार्ड है जो भी आप लेके आए, तो जब वो टेंडर होगा सपोजिंगली अगर वो पहला डॉक्यूमेंट है तो वो हो जाएगा एग्जिबिट PW1/1, और उसके आगे आप बस इतना लिख देंगे OSR यानी ओरिजिनल सीन एंड रिटर्न। अब कई बार हमारे आगे ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां हमें आप रिकॉर्ड मंगा के समन करके प्रूव करना पड़ता है। सपोजिंगली कोई आप ऑफिशियल बुलाते हो सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, कोई आपने सेल डीड प्रूव करनी है, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस से रिकॉर्ड क्लर्क जो भी आता है तो वो ओरिजिनल सेल डीड लेके आता है। अब उसको आप कैसे प्रूव करोगे वो भी बताते हैं आपको।
अब वो जो रिकॉर्ड क्लर्क रिकॉर्ड लेके आएगा, सपोजिंगली आपने सेल डीड जो है वो आपने मंगाई है कोर्ट में प्रूव करने के लिए, ओरिजिनल वो लेके आए, तो जब अपना एग्जामिनेशन चीफ लिखाएगा, सपोजिंगली PW2 है तो वो लिखवाएगा आई सो एंड सो, अपना नाम डिजिग्नेशन बताएंगे अपनी, जैसे कि रिकॉर्ड क्लर्क फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार जो भी होंगे दिल्ली, आई हैव ब्रॉट दी समन रिकॉर्ड विच इज ओरिजिनल सेल डीड डेटेड सो एंड सो विच इज रजिस्टर्ड एट सो एंड सो बुक नंबर डैश वॉल्यूम नंबर जो भी होगा दिल्ली। अब वो जो आपने डॉक्यूमेंट कॉपी जो है डॉक्यूमेंट की, वो आपने जो रिकॉर्ड पे फाइल करी है उससे वो ओरिजिनल को कंपेयर कर लेंगे और उसके बाद लिखवाएंगे दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज बीन केप्ट बाय मी अंडर माय कस्टडी अंडर द कोर्स ऑफ माय एम्प्लॉयमेंट, आई हैव सीन द सर्टिफाइड कॉपी ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड एंड हैव कंपेयर्ड द सेम विद द ओरिजिनल एंड द सेम हैज बीन इशूड बाय आवर डिपार्टमेंट, I have seen and compared the document with the original and the same is true and correct copy. And the same is exhibit, जो भी आप डालेंगे exhibit PW1/2, आगे bracket में लिख देंगे आप OSR, मतलब original seen and returned. वो document में OSR ऐसे ही डालेगा, supposingly EX exhibit PW2/1, आगे bracket में OSR, आगे भाई learned ADJ Delhi और फिर date. तो आज का है मेरा वीडियो इतना ही, आगे मैं एक वीडियो और बनाना चाहूंगा जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली करते कैसे हैं। तो आज का ये वीडियो इतना ही, अगर आप मेरे आगे आने वाले वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।